पिछले एक हफ्ते से तिनसुकिया शहर में हो रही चोरी डकैती की घटनाओं में इजाफा करते हुए बीती रात चोरों ने एक और कारनामा कर दिखाया। बीती रात तिनसुकिया शहर के नौपोखरी ज्योतिनगर स्थित हरकचंद विद्यालय एवं वर्धमान इंग्लिश एकेडमी के विशाल परिसर में चार चोरों के दल ने प्रवेश कर विद्यालय के कंप्यूटर क्लास के ताले को तोड़ने की चेष्टा की, पर विद्यालय के रात्रि चौकीदार के पहुंच जाने के चलते जहां चारों चोरों के दल ने चौकीदार को पकड़ विद्यालय स्थित उसके क्वार्टर में ले गए और चौकीदार की अलमारी खोलने हेतु उसका गला दबाकर दबाव बनाने लगे। इतने में क्वार्टर में सो रही चौकीदार की पत्नी तथा बच्चों द्वारा हल्ला मचाने के चलते चोरों का दल चार दीवारी पार कर भाग निकला। इस मामले में आज विद्यालय के प्राचार्य अजीत कुमार जैन द्वारा तिनसुकिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। जय कुमार गुप्ता, आप कहाँ काम करते हैं? हरकचंद जैन विद्यालय स्कूल में चौकीदार है आप? जी हाँ, यही रहते हैं जी। रात में क्या हुआ था? चोर आया था चार ठो, और वो लोग दौड़ के आया, हमको पकड़ के गला दबा दिया। बोलता है कि सामान वामान का चाबी दो, हम निकाल के ले जाएगा लॉकर खोल के। नहीं दिया तो हमको मारा पीटा, हाथ ही कूट दिया हुआ। फिर लोग कैसे किया? और लोग को हम लोग हल्ला किया, हमारा बच्चा और दीदी सब चिल्लाया, तो लोग दौड़ के भाग गया छर की तरफ के। क्या क्या हाथ में था वो लोग का हथियार? हाथ में हथियार खुखरी था। इधर लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के मद्देनजर पूरे शहर में जहां पुलिस की गश्त तेज कर दी गई है, वहीं मुखबिरों का जाल भी बिछा दिया गया है। बावजूद इसके चोरों का दल पुलिस से एक कदम आगे चल रहा है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बारे में सदर थाने के प्रभारी दीपक तामुली ने पीक न्यूज को बताया कि कई दिनों से हो रही चोरी की घटनाओं में शामिल चोरों के दल के कुछ सदस्यों की शिनाख्त हो चुकी है। उन्हें पकड़ने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं और हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि कुछ दिनों में यह दल कानून की गिरफ्त में होगा। श्री तामुली के अनुसार चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने हेतु रात्रि में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। तामुली ने शहर की जनता से आह्वान किया है कि अगर वे अपने अंचल में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखे तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें। आज पूरे देश के साथ तिनसुकिया में भी हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी का पालन किया गया। शहर के देवी पोखरी में क्रिएटिव क्लब द्वारा सूर्यमुखी फूल के आकार का पंडाल बनाकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई। स्टार्ट हुआ, इसके पीछे जो इंस्पिरेशन था, जो ये राकेश के दादाजी जो थे वो बहुत धार्मिक पुरुष थे, और उन्होंने इन छोटे छोटे बच्चों को एक पूजा करने के लिए उत्साहित किया, और वहाँ से ये सफ़र जो शुरू हुआ वो आज आपके सामने। बाल संघ का नाम से एक क्लब था, हाँ, जो इसका शुरुआत किया। बाद में धीरे धीरे ये विकसित होते गया, नया नया आदमी जुड़ते गया, जुड़ने के बाद ये क्रिएटिव क्लब बना, और तब से ये पूजा का ये जो यहाँ पर जारी है तब से। इधर शहर के जीएनबी रोड ताराचंद गली में भी अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी खेर से बने भराल घर के स्वरूप में बने पंडाल में गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। यहाँ स्थानीय महिलाओं द्वारा सुंदर कांड का पाठ भी किया गया। इस बार हम लोगों ने भराल बनाया है, गांव का जो आपको ये पाल घर जो बोला जाता है वो गांव के आधार पर बनाया गया, असम की संस्कृति के आधार पर। अच्छा, इसमें खेड़ का यूज हुआ ना? खाली खेड़ का इसमें यूज है। अच्छा, आप लोग कितने साल से पूजा करते आ रहे हैं? ये ऐसे हम लोग तो 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन 33 साल से हो रही है। गेला पोखरी बरदोलई नगर में 1997 से लगातार मिलीजुली संघ द्वारा आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय गणेशोत्सव का पालन इस वर्ष भी किया गया। यह गणेश पूजा शहर के लोगों का आकर्षण का केंद्र रहता है। इस वर्ष मिलीजुली संघ द्वारा जहां 21.5 फुट की गणेश भगवान की प्रतिमा बनवाई गई है, वहीं विभिन्न प्रकार की झांकियां बनाने के साथ लाइटिंग की सुंदर व्यवस्था की गई है। गणेशोत्सव के मद्देनजर पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 1997 তাৰপিছত আমি চিলড্ৰেন পাৰ্ক এটা বনাইছোঁ, তাৰপিছত আমাৰ পাহাৰ এটা বনোৱা হৈছে, আৰু ৰাস্তাত আমি যিটো দেখিছোঁ আমাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ কমপ্লিট ৰূপটো দেখাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। এবাৰ মূৰ্তিটো কিমান ফুটৰ? মূৰ্তিটো আমাৰ 24 ফুট 6 ইঞ্চি আছে। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম ৰঘু দে, মই পূজা কমিটিৰ ছেক্ৰেটাৰী।